अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम, तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज फिर तमाम सवालात और हालात हाजरा के मामलात के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त तक जो अभी हमें मौसूल हो रही है वो यही है कि जो कैप्टन सफदर का एक जो मामला हुआ था मजार कायद पर उनके हरकत और सकनात को लेकर, फिर उसके ऊपर FIR वगैरह जो लॉन्च की गई थी वगैरह वगैरह, ISPR की बाकायदा स्टेटमेंट इसके ऊपर अब आ चुकी है। लेकिन पहले सवाल मुलाहजा कर लेते हैं पहले सेगमेंट का, उसके बाद उस पर मजीद बात करते हैं। जी नाजीन, बड़े सारे मामलात हैं इस वक्त जो जेरे गौर हैं, PDM के अलायंस को लेकर मुसलसल वहां पर हमें ब्रेकेजेस की इतलात भी मिल रही हैं, और जाहिर है 11 पार्टीज का अगर एमलगमेशन है तो इसमें इख्तिलाफ राय तो वैसे भी फितरी बात है, लेकिन काफी सारी चीजों पे बेसिक प्रिंसिपल पर भी जो इख्तिलाफात हैं वो खुलकर अब सामने आने लग गए हैं। एक तो मौलाना साहब भी थोड़े से, उनके जो पार्टी के लोग हैं कभी बयान देते हैं वो कहते हैं हम नवाज शरीफ साहब की जो एक थिंकिंग है या नैरेटिव है इदारों के हवाले से हम उसके साथ नहीं है, लेकिन फिर कभी मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं जी कोई इसमें हर्ज नहीं है, अगर किसी का उन्होंने नाम भी ले लिया तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN की नाजरीन इसमें केमिस्ट्री बहुत ज्यादा दिलचस्प नजर आती है। पहले तो ये कि वैसे भी पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी बात तो अभी ये सामने आ गई है कि बिलावल साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि किसी शख्स का नाम लेकर इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन जो जनाब नवाज शरीफ ने लगाई हैं उनसे तो वो खुद हैरान हो गए हैं, और उनको यानी कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपनी इन एलिगेशन को या अपने इन इल्जाम को साबित करें किसी सबूत और शवाहिद के साथ। उसके अलावा खैर, अब आगे अगर इसमें मजीद कुछ कड़ियां इजाफा कर लें उनका, जैसे PDM का जो कराची का जलसा था जिसकी होस्टिंग जो है वो पीपल्स पार्टी ने की थी और बिलावल साहब ने बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की थी, उस पूरे ट्रिप के दौरान जो एक बहुत मच टॉक्ड अबाउट वाकया हुआ वो था जब जनाब कैप्टन सफदर की तरफ से कुछ ऐसे हरकत और सकनात मजार कायद में किए गए जो कि बहुत लोगों की तबीयत पर नागुजीर गुजरे, और उसको डिसरिस्पेक्ट के जुमरे में देखा गया, लिया गया और कंसिडर किया गया। ऐसे में जो FIR थी फौरी तौर पर लॉन्च की गई कैप्टन सफदर के खिलाफ, और फौरी तौर पर अगले रोज ही इस PDM जलसे के बाद हमने देखा कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। ऑल्दो ये कि जब उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, जमानत के लिए अप्लाई किया, तो उनको फिर अदालत से जमानत भी बाकायदा तौर पर मिल गई। खैर, इस मामले पे नाजरीन इंक्वायरी तब बनी और मामला मजीद दिलचस्प तब हुआ और पेचीदा भी तब हुआ जब ये बात सामने आई, और खासतौर पर PMLN की तरफ से इस बात की शुरुआत हुई कि IG पुलिस सिंध को बाकायदा अगवा करके और उनको प्रेशराइज करके ये जो काम है करवाया गया था। खैर, अब इसके ऊपर दो इंक्वायरीज बनी थी नाजरीन याद दहानी के लिए, हमने ऑल्दो अपने इसी प्रोग्राम में तफसीली तौर पर इसके ऊपर हमने बात की थी। एक इंक्वायरी बनाई थी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, दूसरी इंक्वायरी जो कॉल की गई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बाकायदा खुद से कॉल की थी, और वो तब था जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बिलावल साहब का बाज़ाब्ता इस मामले पे राब्ता हुआ था। बिलावल साहब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि वो सिंध हुकूमत के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, सिंध हुकूमत ने और सिंध पुलिस ने भी इसके ऊपर फौरी तौर पर अपना रद्द अमल दिया, और सिंध पुलिस के कुछ आला अफसरान ने फौरी तौर पर कहा कि वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं क्योंकि वो इस पूरे वाकये से डीमोरलाइज हो गए हैं। लेकिन फिर फौरी तौर पर हमने ये भी देखा कि ये जो छुट्टी की दरख्वास्त थी इन्हीं तमाम सिंध पुलिस के अफसरान की तरफ से वापस ले ली गई। फिर ये मामला कुछ अरसे तक हमने देखा इसके ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन आज बाकायदा तौर पे ISPR की स्टेटमेंट सामने आ गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं जिनका ताल्लुक ISI से है या रेंजर्स से है उनको बरतरफ किया गया है फौरी तौर पर, जो गिल्टी पाए गए हैं इस अमल में जो कि IG पुलिस की किडनैपिंग का सामने आया था। यानी कि एक तो बात यह कि ये जो इटसेल्फ एक्ट था ये एक तरफ सब्सटेंशिएट होता है कि जी इस किस्म का वाकया हुआ था, दूसरी तरफ जो बात हम कर रहे हैं वो ये भी है कि GHQ भी उनको मजीद जो इसमें एक्शन है उसके लिए इन तमाम अफसरान को GHQ भी बुलाया गया या तलब किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है नाजरीन कि सिंध पुलिस ने बिल्कुल अब से एक रोज पहले हमने देखा कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो FIR वगैरह लॉन्च की गई थी और जो ये पूरा मामला टेकअप किया गया था कैप्टन सफदर का वो फेक था।
ये एक रोज पहले की बात है और बिल्कुल दूसरे दिन हम यानी कि आज के रोज हम देखते हैं कि ये जो इंक्वायरी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये कंक्लूड हो गई है और उस पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ और एक मुनफरद मौकफ आया है जहां पर एटलीस्ट ये जो एलिगेशन थी ये जो इल्जाम था ये ऐसा लग रहा है अपेरेंटली कि ये दुरुस्त साबित हुआ है, वाकई इस किस्म का एक एक्ट हुआ था। लेकिन अब इसके ऊपर आगे बात करना, सियासी नैरेटिव्स अब क्या होंगे, पीएमएलएन तो अब क्या कहेगी कि हम विंडिकेट हो गए हैं, या पीपल्स पार्टी अब इस पर क्या अपना मौकफ रखेंगे। और ये भी याद रहे कि जो उन्होंने इंक्वायरी इस मामले पे कॉल की थी उसके बहरहाल अभी तक कोई नतायज सामने नहीं आए हैं। बाकायदा आगाज करते हैं विदाउट फर्दर अडू इसी मौजू से। यहां स्टूडियोज में मेरे साथ सेनेटर मियां अतीक तशरीफ फरमाए हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे साथ करते हुए तमाम मौजूदात पे, वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी, वेलकम ऑन बोर्ड मियां साहब। सेनेटर नुमान वजीर साहब नाजरीन हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, वंस अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम द पीटीआई और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव हमारे साथ ऑन बोर्ड इन तमाम उमूर पे रखेंगे। और जनाब कैसर अहमद शेख साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं इन तमाम उमूर पे, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा लीडर और एमएनए मेंबर कौमी असेंबली, मुतद्दद मरतबा आप अपनी पार्टी से एमएनए रहे हैं और अभी भी हैं। और कैसर साहब इकोनॉमी के हवाले से भी हमारे साथ बात करेंगे और सियासी एतबार से भी कैसर साहब का व्यू पॉइंट पीएमएलएन के पर्सपेक्टिव में जानेंगे। वेलकम कैसर साहब, खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। लेकिन पहला मौजू नाजरीन कैसर साहब से इसका आगाज कर लेते हैं, क्योंकि कैसर साहब आपकी जमात से ये मामला शुरू हुआ, पहले आपका मौजू आपका पहले इस पे एक मौकफ आ जाए, फिर मैं दीगर की तरफ भी बढ़ती हूँ। फरमाइएगा, आपको लगता है कि पीएमएलएन का स्थान सब विंडिकेट हो गया है जो ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उसके बाद? और उसमें जो बताए जा रहे हैं उनके आपके मुताबिक मैंने इतना क्या है कि अगर कुछ कुछ हुए हैं या कुछ उनको बुला के ऑफिस में उनको बुला के उनके बारे में इंक्वायरी की गई है तो एक तरीका कार है। लेकिन ये तो जो कुछ कराची में हुआ वो बिल्कुल नाजायज था, वो किसी भी हिसाब से वो उसको आप नहीं कह सकते कि वो कानून के मुताबिक था, वो तो कानून की शरीयत खिलाफ वर्जी थी ना। इसके ऊपर तमाम पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हम बुक्स जाना चाहते हैं। तो अगर इस तरह देखिए ना, ये जो केस के ऊपर मामला का जो है उसका इस तरह यानी गैर कानूनी तौर पर पुलिस के ऊपर अगर कोई रेंजर थे या कोई हो तो वो तो अब तस्लीम ही हो गया कि वो नाजायज एक्शन हुआ है। अगर उनको गिरफ्तार करना था तो वो तो किसी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। जो कुछ कायदे आजम के मिजाज पे हुआ मैं मानता हूं कि उसमें वो इस तरह का नहीं होना, वो बेअदबी है और बेहतर वहां पे होना चाहिए। वहां पे मैंने नहीं देखा कि कभी ये बाजी होती हो। लेकिन अगर देखिए ना, वो जो कुछ उनमें कानूनी मामला थे वो तो कानूनी तरीके उनकी हो गई, वो उन्होंने जुर्म का जो है वो रखा और उसके उसकी बेल हो गई। लेकिन ये जो कुछ हुआ है तो बड़ा एक्स्ट्रा आदमी हुआ ना, एक कमरे में जिसमें खातून भी उनके साथ यानी उनकी बेगम मौजूद है, उसके बाद वो कमरा को तोड़कर और फिर इस तरह अर्ली मॉर्निंग ये एक्शन लिया गया। तो ये तो बड़ा ही नाजेबा एक्शन था और सबने उसको महसूस किया। और इस तरह तो फिर किसी एक का कंट्रोल नहीं, काम तो पुलिस का था। और अगर ये रेंजर या कोई भी इदारा उसमें अगर उसमें इन्वॉल्व हुआ है तो वो तो अब सामने आ गई बात, तो नाजायज थी और उसमें प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। जो इंक्वायरी हुई है मैं उसको सराहता हूं कि इंक्वायरी होनी चाहिए थी और हुई। उन्होंने फौरी तौर पर आर्मी चीफ से उनका नोटिस दिया और इंक्वायरी कंडक्ट करवाई। तो मकसद सिर्फ यही है कि हमारे मुल्क में आईन के मुताबिक होनी चाहिए, जो आईन इजाजत देता है हर एक को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो या रेंजर्स हो और पुलिस हो, हर एक जब तक अपने अपने रहेगा ना अपने दायरे में तो बेहतर काम होगा। लेकिन कभी ये इंप्रेशन चला जाए कि ये हमारे अपने मुल्क के लिए और हमारी मैं समझता हूँ इतिहास से हर के मुल्क वाले लोग जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के आपके शायकियां रहते यही कहते हैं कि अगर यहाँ पे कानूनी पोजिशन इस तरह की है। अच्छा कैसर साहब, सिर्फ इतना बता दें कि ये जो पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी भी है पीडीएम में, तो उनकी तरफ से भी तो एक इंक्वायरी कॉल की गई थी, तो वो इंक्वायरी अभी तक हमें नजर नहीं आई था। हाल जो अभी मुकम्मल
मोना उन्होंने 30 दिन का टाइम पहले ही मुकर किया था। आर्मी चीफ ने तो इंक्वायरी 10 दिन दी थी, वो भी 10 दिन के बाद आई। आपको देख रही है तो वो तो पंद्रह बीस पिछड़ गए, तो उन्होंने 30 का टाइम रखा था कि भी उसका भी रिजल्ट जल्द आ जाएगा, तो उसकी अपनी प्रभावी रखी है। लेकिन अच्छा कैसर साहब, सिर्फ इतना फरमा दें कि आपका जो भरोसा है बहैसियत इत्तेहादी, वो पीपल्स पार्टी पे अभी भी कायम है? क्योंकि मुतद्दद उनकी तरफ से बयानात भी आ रहे हैं और आपने देखा है कि काफी मामलात पे उन्होंने डिस्टेंस किया है अपने आप को जनाब नवाज शरीफ से। बयान जो है वो अगर मैंने पूरा वो बयान उनका सुना है, रावल गद्दारी साहब का, वो बयान तो सिर्फ इतना ही है कि मियां का 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्होंने अगर कोई बात की है तो उसके सबूत उनके पास भारतीय होंगे, सबूत है की है। तो वो तो यही कहते हैं कि हमने भी नाम हमारे पास तो हम किसी शख्स का या किसी खुद का नाम या कहते तो मेरी मीटिंग बिलावल गद्दारी ने ये कहा कि कोरोना की मैं मिल नहीं सका मनोवर आपको, तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हूँ। और ये जो ये बात है लाजमी उनके पास, ये बात तो मैं नहीं सुने, और जब ये बयान आया है उस बयान से कोई इतराज नहीं किया हमारी पार्टी का, ख्याल है कि बिलावल भट्टो साहब ने कोई गैर मुनासिब बयान नहीं किया। अच्छा ठीक है, यानी कि आपको लगता है कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ सबूत मांगे हैं। और जो अभी कैसर साहब से की बात से तासुर मिला है कि जो भरोसा है वो इंटैक्ट है। सेनेटर नवान वजीर, आप फरमाइएगा। सर आप लोग कह रहे थे और जो पीटीआई का एक आ रहा था इसमें पूरा स्टैंड के, ऐसा जो एक इम्प्रेशन जा रहा था हुकूमत की तरफ से वो ये था कि दरअसल ये चीज कभी हुई ही नहीं है, ये एक फेक स्टोरी है या ये सिर्फ बनाई गई है, एक मनगढ़ंत कहानी है ये तमाम अगवा की जो आईजी पुलिस की थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब तो ये विंडिकेट हो गए हैं ऑपोजिशन, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इन्होंने जो इल्जाम मिलकर लगाए थे? नहीं, ऐसे बोला, ऐसी कोई बात नहीं कि पीटीआई ने कहा या गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं। इंसिडेंट तो हुआ, वो तो सारा कुछ है, पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है सारा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग नजर आ गई आवाम को दिखा दी, कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो नहीं दिखाई अभी तक और अभी भी अथॉरिटीज के पास है। लेकिन ऑल सेट एंड डन, देखे ना, वी शुड टेक प्राइड कि हमारा एक आर्मी के इंस्टीट्यूशन हुई, उनने इसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 14 दिन के अंदर उसका एक पूरी रिपोर्ट भी आ गई और जो आज पब्लिक कर दी थी। और उसके अंदर ये नहीं कि जो कंसर्न ऑफिसर्स थे जिनने ओवर रिएक्ट किया, कानून की इम्प्लीमेंटेशन पर ओवर रिएक्ट किया कि जो एक काम जो पुलिस का था कि FIR रजिस्टर करना, एक आदमी ने कैप्टन सफदर ने बेहरमती मजार पर की, फादर ऑफ द नेशन ने मजार पर की, जो कानून में जो भी ऐसा करता है उस पर उसको एक क्रिमिनल एक्ट कंसिडर किया जाता है और उसकी सजा दी जाती है, लेकिन 6 महीने कैद भी उसके अंदर है। सही है, इसका FIR रजिस्टर करना चाहिए था पुलिस को, जो पुलिस ने नहीं किया। अब रेंजर्स ने या ISI वालों ने नहीं, सर FIR तो दर्ज हुई थी बल्कि उसके ऊपर दर्ज हुई, उसके बाद आपने उसको कंसर्न आदमी को अरेस्ट भी करना होता है, तो वो चीज आपने उसको किया ही नहीं इसके अंदर, तो वो आपने अरेस्ट किया ही नहीं है उसे किया नहीं। उसके ऊपर जब ओवर रिएक्शन सिर्फ इतना हुआ कि आर्मी वालों ने ISI और रेंजर्स ने पुलिस को जाकर IG पुलिस को कहा कि भाई आपका काम है ये करना, हम हर जगह आर्मी को तो बना लेते हैं, जब सैलाब आता है आर्मी को बनाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं आर्मी को बनाते हैं, कुछ चीज होती है हम आर्मी को बना लेते हैं, अब हम रेंजर भी अपने आर्मी को बुला रहा, सिंध गवर्नमेंट के कहने पर रेंजर आई हुई है। अब रेंजर्स का काम भी था इम्प्लीमेंटेशन, जब वो देखते हैं कि पुलिस जो उनका एक और अदारा है जिसका ये काम था कि FIR रजिस्टर करके इसको अरेस्ट करे, वो नहीं कर रहा, इन अफसरों ने सिर्फ ये ओवर रिएक्ट किया कि उसके पास जाकर उसने कहा कि भाईजान तुम IG पुलिस हो, तुम्हारा काम एक क्राइम क्रिमिनल है, तुम्हारे नॉलेज में है, तुमने उस पर FIR रजिस्टर करके इस आदमी को अरेस्ट करना है, उस आदमी का आओ तुम चलो हमारे साथ और इस पर FIR कर अरेस्ट के लोग भेजो, मोबाइल की बात भेजो, जो करो, ये उन्होंने ओवर रिएक्ट किया।
अब आप एक तरफ चाहते हैं कि आर्मी को इन्वॉल्व करते हैं, रेंजर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जब वो इफेक्टिवली अपना क्राइम कमिट होता है उस पर क्राइम कमिट करने के बाद स्टेप्स ले लें, एफआईआर होने अरेस्ट होने, ये किस कानून में लिखा है कि सुबह 6 बजे आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते? या कानून बता दें, अरेस्ट कर सकते होटल से। यानी नवान साहब, आपके व्यू में सर जो ओवर रिएक्शन था वो सिर्फ ये था कि उन्होंने जाकर आईजी पुलिस को बाकायदा उनको ये तो किडनैप फिर साबित हो गया ना कि किडनैप किया था, और ये भी सर फरमाएं कि ये तो जो अपोजिशन है वो तो यही बयानियां कह रहे हैं कि जी मुदाखलत होती है और इदारे अपने जो डोमेन है उससे बाहर निकलते हैं, तजावुज करते हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। आपको लगता है ये कहीं भी बात सच साबित होती है अब इस इंक्वायरी के कंक्लूजन के बाद जो आज हुई है? मुझे बात बताए, रेंजर्स को किसने कॉल किया सिंध के अंदर, कराची के अंदर? सिंध गवर्नमेंट ने कॉल किया ना, ऐसे तो रेजोल्यूशन जा ही नहीं सकते। सिंध गवर्नमेंट ने रेंजर्स को कॉल किया, सिंध रेंजर्स को फिर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे वहां, उसको जब देखते हैं कि उसके एक और बॉडी तरीके से कहा पुलिस का काम है वो नहीं कर रहा आईजी, तो चुप बैठे रहे। क्यों चुप बैठे? मुझे एक और बात बताए, आप ये बताए, वो आईजी साहब दूसरे ऐसे बैठे हुए, बिलावल साहब उसके घर गए, उसके जाकर आईजी को बोला जो कुछ बोला, कुछ लोग कहते हैं उसको मनाने क्या कह रहे छुट्टी पर अप्लाई ना करो, मेरे तो आदमी कोई ऐसे भी कहते हैं कि उसको वर्गला नहीं किया कि और भी तुम इस तरह करो और बाकी अफसरों से भी करो। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये बात बताई जाए कि जो सारे आईजी ने और बाकी अफसरों ने जो इस्तीफा दिया और उन्हें छुट्टी की, लीगल टर्म्स में इसको म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी को डेफिनेशन क्या है? म्यूटिनी की डेफिनेशन है जब मिलकर अफसर लॉ एनफोर्समेंट जैसी पुलिस आर्मी नेवी रेंजर्स जो लोग मिलकर एक एक्शन करें, मिलकर एक्शन करें, उसको म्यूटिनी कहते हैं। आज तक पुलिस ने इस म्यूटिनी के खिलाफ अफसरों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया, इस आईजी के अगेंस्ट एक्शन लिया। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, मुझे वो सूबा आप सब जो बैठे हैं बता दें, ये वो कौन सा सूबा है जहां मैक्सिमम गवर्नमेंट की इंटरफेयरेंस होती है पुलिस के अंदर? वो है सिंध, वो है कराची। केपीके ने आप इंटरफेयरिंग कर दे, वो एसएचओ और सेनेटर का कल मुझे उसने 500। हाँ सर, म्यूटनी वाली बात तो देखे ना, वो तो अभी आप जो फरमा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन वो बल्कि उन्होंने तो स्टैंड किया ना, सिंध हुकूमत ने तो सॉलिडेरिटी का इजहार किया सिंध पुलिस के साथ। ये फरमाते सर, ये जो पीपल्स पार्टी के बयान आ रहे हैं या बिलावल साहब के, हुकूमत काफी पुरउम्मीद थी और आपकी तरफ से बिल्कुल ये इम्प्रेशन जा रहा था कि ये बिल्कुल अब ये दोनों जो फरीक हैं ये अलहदा हो गए हैं पीडीएम में, लेकिन अभी आपने कैसर साहब को सुना, वो कह रहे थे कि नहीं, बिलावल साहब ने कोई ऐसी बात गलत नहीं की है और हमारा जो भरोसा है वो इंटैक्ट है अपने अलाय पे। देखिए, ये वो पश्तों में एक मिसाल है, मियां साहब समझेंगे, ऐसी शख्स नहीं करते, साफ बात करते हैं। जितने पीटीआई ने भी शायद कुछ हो लो थोड़े बहुत, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और कैसर साहब ने तजवी करेंगे, सीधे आदमी है, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ऐसी हरकतें उनके इनका पास की जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे लॉट ऑफ स्केलेटन इन देयर कबर्ड। सिर्फ आपने दरवाजा चबल अलमारी का दरवाजा खोलकर दिखाना है कि तुम्हारी ये चीज हमें पता है, सब हमारे लाइन पर पड़ जाएंगे। तो अभी कोई लोग हमने दिखा दिया दरवाजा कि ये तुम्हारी ये चीज हमें पता है, जरा ख्याल से बात करो, तो कुछ हमारे साथ हुकूमत के साथ चल पड़ेंगे, कुछ अभी तक हम भीड़ हैं विलायत में बैठे हुए हैं, उधर से कैसे मुझे कौन पकड़ेगा, पाकिस्तान उनकी आवाम पकड़ी जा रही है, बंद हो रही है, जेल में जा रही है, सही हो गया, अमेरिका में बैठे बातें कर रहे हैं। तो ये इनको हमने सिर्फ इस पार्टी जिसे दरवाजा खोलकर सिर्फ दिखाया है कि तुम्हारे एस्टेब्लिशमेंट ने दिखाया है, जरा ख्याल से बातें करो, इसलिए आपका ये डिवीजन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में ये डिवीजन नजर आएगा आपको। जी सेनेटर मियां, अतीक तो बहुत सारी सर आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे थे, मियां साहब आप हमें जरा समझने में मदद दें कि क्या हुआ क्या। मोना थैंक यू वेरी मच। पहली तो बात ये, आप यकीन करें मैं नौमान भाई की दिल से इज्जत करता हूँ और इन्होंने ये जो बातें की हैं ये बड़ी बरहक हैं, क्योंकि ये इनका खुद ताल्लुक जो है वो फोर्सेस से है, जो कि थोड़ा बहुत मेरा भी है, लेकिन इन्होंने वाकई में बड़ी अच्छी बातें की हैं। मगर मैं इन्हीं से इजाजत चाहते हुए और मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने नो डाउट रेंजर को बुलाया, 147 हमारा जो आइन की क्लॉज है उसके तहत, एक्ट के तहत, और उसकी क्लॉज 1 सबसेक्शन 3 यह भी मैंने पढ़ी है, उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि आप आईजी अगर आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप आईजी को उठाकर ले जाएंगे। देखिए ये जरा पढ़ लें, मेरे भाई हैं माशाल्लाह मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दूसरी चीज, यहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वाकया हुआ क्या है असल में। देखिए, कोई ये इनकार नहीं कर सकता कि जो मामला
मजार कायद पे सफदर को मैं पीएमए से जानता हूँ, मैं उस वक्त से उसको जानता हूँ। सो उन्होंने जो मजार कायद के ऊपर किया, जज्बात में किया, इंटेंशनली किया, कोई उसको नहीं कह सकता कि वो सही मामला सही, था। सही, लेकिन ये तो हम तीनों मुत्तफिक हैं उसके, उसके बाद का जो अमल है, एक पीटीआई के अगेन वो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, हलीम आदिल शेख साहब, वो माशाल्लाह आजकल जरा हाई फ्लाई में हैं, बहुत सारे उनकी फाइलें खुल चुकी हैं ऑलरेडी, अल्लाह करेगा कोई ना कोई देख लेगा, उन पर भी आंख पड़ जाएगी किसी ना किसी की और जल्दी वो भी हाथ में आ जाएंगे। जनाब वो सबसे बड़ा कैरेक्टर इस पूरे एपिसोड का वो है। कल मैंने उनको एक टॉक शो में देखा, वो कहते हैं मेरे भांजे ने जाकर जी जी। और मेरे भांजे ने जाकर और ये एफआईआर कराई नंबर वन। वाकया हुआ है हमारे पास आके इसी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जरा बकार नाम है मेरी, हाँ मेरी कोई बकार का नाम लेते, मेरी गुजारिश सुनिएगा जरा, वो देखें अगर नहीं देखी सोशल मीडिया पे है तो मैं अपने दोनों खास तौर पर नौमान भाई को कहूंगा, वो बेचारा बारिश अफसर इतनी बड़ी व्हाइट दाढ़ी, जिस तरह हलीम आदिल साहब उसके ऊपर चढ़ रहे थे जो पुलिस का अफसर था, एफआईआर काटो एफआईआर काटो एफआईआर काटो, वो कह रहा है कि देखिए सर मैं वहां से आ गया हूं, तो उसके भी जवाब में उन्होंने उनको बहुत गलत बात की। नंबर वन उनकी क्या इंटेंशन थी हलीम। अच्छा फिर अगली बात, आज की ये दो रिपोर्ट्स आई हैं, एक नहीं आई है, एक रिपोर्ट हमें वो वाली भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिसमें वकार ने एफआईआर कराई है, वकार तो उस प्रीमिसेस में मौजूद ही नहीं था, वकार का क्या ताल्लुक था, वकार ने किस इंटेंशन से वो एफआईआर कराई, तो उसी वजह से वो कल जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी इसका जिक्र आया कि वो कहीं पे जो जो क्लेमेंट है जो जाकर एफआईआर करा रहा है वो तो किसी तरह से भी हर्ट नहीं हुआ, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ एक चीज जरूर है, जो इदारा वहां मौजूद है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इस जो हमारे कायदे आजम के मजार हैं उनका, उनकी तरफ से एफआईआर हो सकती थी, तो पहली बात ये एफआईआर भी इसी वजह से खत्म कर दी गई। दूसरी चीज आती है जो मैं कहूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे इदारों ने जो भी उसमें मुलविस थे उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। एंड देन आई विल से आई विल सल्यूट टू डीजीआईएसआई एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ट्रस्ट मी जनरल फैज ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह ये इंक्वायरी कराई है, ये इस बात का सबूत है कि आर्मी आज भी ऐसा इदारा है, फोर्सेस आज भी ऐसे इदारे हैं कि उनमें रूल्स की पाबंदी की जाती है। अच्छा मियां साहब एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, आप कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ, जो हरकत हुई वहां मजार कायद पे, वो तो नामुनासिब थी, हम तीनों उस पर मुत्तफिक हैं, इवन कैसर साहब उस पर मुत्तफिक हैं, लेकिन ये बता दें फिर आपको इन अप्रोप्रिएट ये लगा कि एफआईआर पीटीआई के किसी फर्द ने क्यों दर्ज कराई? नहीं बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, इंटेंशंस गलत थी। अच्छा वो शुरू से, और ये सिर्फ हलीम आदिल ही नहीं, मेरा शहर है मैं इसलिए कहूंगा, मुझे बीच की बात का इल्म है इसलिए कहूंगा, हमारे उस शहर के कुछ वुजरा साहिबान वो फिर अपनी ज्यादा वफादारी शो करना चाह रहे थे। अच्छा। वो बेचारे नंबर बनाते बनाते फंस गए, मैं ये कहूंगा वो जो तो पीटीआई के जो जरा थोड़े से ज्यादा नंबर बना रहे थे ना, मैं क्या किस वजीर का कहूं, और ये बात आज कोसार मार्केट में आप ही के यहाँ नजदीक है कैफे में बैठकर आज ये बात आई है, उन्होंने कहा जी वो जो नंबर बना रहे थे वो सारे बेचारे फंस गए, और वो नंबर किसको दिखाना चाह रहे थे, वो नंबर वजीर आजम को दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वजीर आजम साहब जो है वो इस तरह की बातों से बहुत खुश होते हैं। आई सी, वो बहुत खुश होते हैं इस तरह की बातों से, चाहे वो मियां थी कि क्यों ना करे, एक हरकत मियां तीक ने की वजीर आजम को बहुत अच्छी लगी। ये नवाज साहब ने इसका जरा जवाब मांगेंगे नाजरीन, ये बड़ी तफसील से बताई है बात अभी मियां तीक ने भी, और जाहिर है दीगर भी नौमान वजीर साहब और कैसर शेख साहब ने भी तमाम अहवाल से। पीडीएम के अलायंस पे तो नाजरीन हमने बात कर ली है, लेकिन अब जो महंगाई के हवाले से और जो मईशत के हवाले से जो सवालात हैं, ब्रेक के बाद वो भी आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। स्टे विद अस। फौरी खबर हो, राय या तज्जिये, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत,
टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगाम की फौरी रसानी के लिए पेश पेश। पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दरोस्त हर वक्त बार बार। आवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इख्तदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और आवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समराज आवाम तक पहुंचाना इन्ही नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ्फुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिलाखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवार हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। Protesting here to denounce the new laws. हुकूमत को हम ये कहते हैं कि अगर वो मामला सुलझाना चाहती है तो सबसे पहले फौज को हटाए, हमें हक दे कि हम सड़कों पे आए, कि हमको गारंटी देते हैं कि हमारा एहतजाज पूरा मन होगा। वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हुए अब एक और जो एक कोर इशू है उसके जाने बगैर बात कर लें महंगाई के हवाले से। ख्वाह अपोजिशन हो ख्वाह गवर्नमेंट हो दोनों के नैरेटिव्स हैं और बहुत मुस्तहकम बड़े वजन रखने वाले नैरेटिव हैं। फिर जीबी के भी इलेक्शंस क्योंकि सर पर हैं तो ये जो एक फैक्टर है बड़ा मैटर करता है, माइक्रो इकोनॉमी वर्सेज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले सवाल देख लें इसके ऊपर फिर मजीद इस पर बात करते हैं। जी नाजरीन, आज वजीर आजम इमरान खान ने भी जो वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की जो कि वो हस्ब मामूल आज के रोज करते हैं तो उसमें भी यही एक मामला सरे फहरिस्त रहा। एक तो ये कि वजीर आजम साहब ने पहले भी एक रोज पहले भी जो स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने ये कहा है वजीर आजम इमरान खान ने कि ऑपोजिशन प्ले अप कर रहे हैं महंगाई के नैरेटिव को और महंगाई के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो दरअसल बढ़ा चढ़ाकर की जा रही हैं ताकि जो इलेक्शंस हैं वो उसके ऊपर इस हवाले से उसको कैपिटलाइज कर पाएं। दूसरी तरफ नाजरीन ऑपोजिशन का मौकिस नजर आता है, वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ तभी मायने रखेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, तजारती खसारा कम हो रहा है, थोड़ा सा हमारा जो पाक रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट मुस्तहकम हुआ है, रिजर्व की हालत बेहतर हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि ये तमाम मामला तब मैटर करेंगे जब इनके असरात एक आम आदमी की जिंदगी पर हो पाएंगे, यानी कि बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, जो खाने पीने की अशिया है, अशियाए खुर्दनोश है, उनकी कीमतों में कमी वाकई हुई होगी। फिलहाल जो इस वक्त हम इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स देख रहे हैं वो मुसलसल अपटिक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नाजरीन जो एक्शंस लिए गए हैं गंदम की दरामद हो या चीनी की दरामद हो
कितने मददगार साबित होंगे, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे और तफसीली तौर पर यह भी जानेंगे कि अब चूंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जनाब जहांगीर तरीन वापस आ गए हैं लंदन से और वो ये कह रहे हैं कि वो चीनी की कीमतें कम करने में हुकूमत की मदद करेंगे। एक और बात जो उन्होंने ट्वीट करके कही वो ये थी कि वो उन पिटिशनर्स में शामिल नहीं थे जो कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ अदालत गए थे, बल्कि वो तो हुकूमत की मदद करने आए हैं कि चीनी की कीमत कम हो। इस हवाले से भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये एंगल है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टार्टिंग विद मियां अतीक साहब, सर आप इस पर जरा अपना पहला पर्सपेक्टिव दे दें ताकि हमें एक थर्ड व्यू मिल जाए, थर्ड पार्टी व्यू मिल जाए। पहली बात तो ये, मैं ये समझने से कासिर हूं कि इमरान खान साहब ने कहां से ये बात सुन ली और कहां से ये फील कर लिया कि अपोजिशन बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है महंगाई के मामले को। अरे जनाब, अपोजिशन वाले खुद अमीर आदमी हैं, उनको महंगाई से क्या लगे। महंगाई का तकलीफ तो जो है, जो हमारे घरों में लोग काम करते हैं, जो बेचारे रेड़ी लगाते हैं, जो एक मोची है, जो एक नाई है, जो रोजगार रोज का कमाता है, जो डेली वेजेस का बंदा है, जो गांव में बेचारे आम लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, जिनकी रसाई किसी बड़े आदमी तक नहीं है, असल महंगाई मसला उनका मसला है। अब बात आ जाती है, मैं भी थोड़ा सा इकोनॉमी को समझता हूं, ज्यादा तो नहीं हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो हर तरह से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि मुल्क में आपने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये माफियाज हैं। अरे बाबा, इन माफियाज को भी तो पकड़ना है। अब वजीर आजम साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है कि जी जो चोर हैं, जो डाकू हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल मत छोड़े, उनको एनआरओ नहीं दूंगा, बिल्कुल मत दें, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन खुदा रहा, जो नए चोर डाकू पैदा हो रहे हैं, वो जो परवान चढ़ रहे हैं, वो जो जवान हो रहे हैं, अब जो आवाम के ऊपर, गरीब लोगों पे, आम लोगों पे, जिनकी इनकम 15-20-25 हजार रुपए महीना है, उससे ज्यादा नहीं है, एक बच्चा कमाता है घर में, एक बाप कमा रहा है घर में और बाकी सारे खाने वाले हैं, उनसे जाकर पूछे ना कि जब 10 रुपए किलो आटा महंगा होता है, जब 40 रुपए किलो चीनी महंगी होती है, जब आप बाजार में जाते हैं ना वो पेट्रोल ले सकते हैं, ना वो किसी किस्म की कोई सब्जी खा सकते हैं, फ्रूट तो छोड़ ही दे, गोश्त तो छोड़ ही दे, अरे बाबा वो तो सादी रोटी घर में नहीं खा सकते। खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप, आपकी टीम मिलकर एक मिशन बनाए, हमने बिजली सस्ती करनी है, और वो इस तरह नहीं होगी आपके बयान से, बयान दे दिया, बैठे हैं मेरे भाई सबसे मतलब बेहतर तरीके से मुझसे समझते हैं, इज इट पॉसिबल, उन्होंने बयान दे दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पीक आवर्स खत्म। अरे बाबा, कब पीक आवर्स खत्म होंगे? इट रिमाइंड्स मी जब पिछली हुकूमत में बिजली का बिल आता था तो यहां लिखा होता था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रिलीफ 3 रुपीज पर यूनिट, सबसे अच्छी अमाउंट वो लगती थी, आके खत्म कर दिया गया। क्या करूं, बिजली तो देनी है, फैक्ट्री तो चला, बिल तो देना है, फैक्ट्री तो चलानी है, तो इसलिए आम घरों के लिए जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी, गैस सस्ती नहीं होगी, आटा चीनी दालें सस्ती नहीं होगी, उनको कोई कोई चीज नजर नहीं आएगी। मियां साहब, आपके बड़े जामे इनिशियल रिमार्क्स तो आए, एक और बात इसमें इजाफी तौर पर फरमा दें, मुख्तसरन अगर इसका जवाब दे पाए, जोहराना पे जो दावत दी थी वजीर आजम ने, जिसपे आप तमाम भी मौजूद थे, इत्तेहादी थे, मैं इसीलिए नहीं गया मुझे, अच्छा आप ठीक है, लेकिन उसमें भी यही तमाम बातें हुई थी ना, जिसके ऊपर इत्तेहादियों ने, आपको क्या जो इसकी वाई बाई है अपनी पार्टी से, वो क्या आई है कि अब इसके ऊपर वॉर फुटिंग पे काम होगा? देखिए, अब होगा या अभी? फिर वही बात, जितना इख्तियार हमारी पार्टी के पास है, हम जितने चंद एमएनए चंद सेनेटर हैं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मुअद्दबाना इल्तमास ही कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते। हमारा वही वाला काम है कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, वरना उन्हें क्या, हाँ वरना की, वरना सर मैं इसी तनख्वाह से कम कर लांगा, इससे ज्यादा हमारी कोई पोजीशन नहीं। राइट जी, नवान साहब, ये ओवर टू यू सर, बड़ी सारी बातें हैं जो आप अभी बेहतर हमें समझने में मदद दे सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक बेहतर हो रही है, लेकिन एक आम आदमी यही पूछता है कि उसके जो पॉजिटिविटीज हैं वो मेरे ऊपर क्यों नहीं आती? ठीक है, देखिए आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जैसे बाहर से जो हमारा पैसा आता है हर महीने, ये 1 अरब डॉलर आता था, अब 1.2 अरब, अब अल्लाह का शुक्र है 2 अरब डॉलर हर महीने बाहर से रिमिटेंस आ रही है, जो इंडिया रिकॉर्ड पिछले 4 महीनों से आ रही है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 83 कंपनीज है जिन्होंने 46% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा शो किया है। एनबीआर ने 101,004 बिलियन का नया रिकॉर्ड फर्स्ट क्वार्टर में कलेक्शन किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट जो था डेफिसिट में चलता था, पिछले साल नवंबर के अंदर वो अक्टूबर के अंदर 1492 बिलियन का डेफिसिट था, इस साल 792 पॉजिटिव हुआ है। तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत अच्छा, फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत अच्छा। महंगाई का जहां तक सवाल, लेकिन मैं आपको फ्रेंकली बात करता हूं, अगर आप 105 रुपए का डॉलर जो साठ हजार के जमाने में था, अब वो 105 से 168 तक जाकर अब चलो 159-160 पर आया हुआ है। अगर 100 से 160 पर डॉलर जाएगा हर चीज महंगी होगी, 60% महंगी होगी, 60% नहीं हुई अभी भी 10-15-20% महंगाई है जो होनी है। ये पाकिस्तान में ये महंगाई होनी है, ये आप अगर या तो डॉलर को आप सस्ता रखे ना 104-105 में रखे, जैसे साठ हजार ने रखा था, 26 अरब डॉलर आप कर मार्केट में डालेंगे, वो डालेंगे तो डॉलर नीचे रहेगा। हमने वो नहीं किया, हमने कहा अपने पैरों पर खड़े होंगे, पैसा लोन दी देंगे, कर्ज दी देंगे, अपने पैरों पर खड़े देंगे, यही तरीका था। इसकी वजह से महंगाई आएगी आएगी। अब क्या हुआ कि जी इसका हल क्या है, इसका हल है महंगाई होनी है, लेकिन आपने नंबर वन 18,000 मिनिमम वेज है पाकिस्तान के अंदर, ये गलत है, इस चीज को ठीक कर रहे हैं। कम अज कम आपने 23,000 रुपए मिनिमम वेज पाकिस्तान में बनी, मालदार लोग मियां थी और बाकी लोग मेरी से मियां थी कैसा था, आप जैसे लोग आपको कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, जितना गरीब आदमी का है जो 18,000 मिनिमम वेज, बिल्कुल बिल्कुल उसको आपने 23,000 कम अज कम 23,000 नहीं तो 25,000 कहूंगा, लेकिन 23,000 आपने मिनिमम वेज करना ही कर रहे हैं। नंबर टू, ये 86 लोगों का काम नहीं है प्राइसिंग कंट्रोल का, डीसी के प्राइसिंग कमिटीज होती है, मजिस्ट्रेट होता है हर शहर के अंदर, प्राइस मजिस्ट्रेट होता है, चैंस के अंदर भी प्राइसिंग मजिस्ट्रेट होता है। ये ब्यूरोक्रेसी का काम है कि प्राइसेस को अननेसेसरी इंफ्लेट होने ना दे। अच्छा अच्छा सेनेटर साहब, इफ यू अलाउ मी, देखें एक तो आपने जो वजह आइडेंटिफाई की है वो आपने डॉलर रुपी पैरिटी की है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी वजूहत है सर, यानी कि जो रेट हुकूमत फिक्स कर रही है, जो निर्ख हुकूमत ने बताए हैं चीनी के गंदम के, अगर उससे 10 टाइम ज्यादा, 20 गुना ज्यादा या बहुत गुना ज्यादा अगर उससे मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं, तो यानी कि ये जो माफिया की बात है वो कहीं ना कहीं तो प्रिवेल कर रही है ना, उनके खिलाफ क्रैकडाउन बड़ा जरूरी है, वो क्यों नहीं सर नजर आता? आई टोटली अग्री, लेकिन मैं आपको बोला भी कैसे साहब भी सुन रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट आदमी है जिसको आपने 2 साल 1 साल की ट्रेनिंग दी, उसको सिलेक्शन किया, उसको सारा प्रोसीजर सुनाया कि आप किस तरह प्राइसिंग कंट्रोल करेंगे, डीसी मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर मजिस्ट्रेट उनका काम है चीज को कंट्रोल करना प्राइसिंग। अब क्या होता है मार्केट के अंदर, बड़ी बुरा सरप्राइजिंग चीज, आप किसी दुकान पर आप लोग सेठ लोग हैं, आपने मेरे साथ आदमी चक्कर लगाता है, हर लोगों से मिलना होता है, वहां आप जाए दुकान के अंदर एक है डीसी काउंटर, वो क्या काउंटर है, ये जी इसके जो प्रोडक्ट पड़े सबसे खराब किस्म के, ये डीसी का रेट चल रहा है, और बाकी 90% दुकान। और सर ये मियां साहब को एतराज है कि टाइगर फोर्स को क्यों फिर एम्प्लॉय किया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए, अभी ये कह रहे हैं ये मैं मियां साहब से यही करता हूँ, ये टाइगर फोर्स का काम नहीं है, exactly. ये सियासतदान का काम है, ब्यूरोक्रेसी का yes. पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही जिस तरीके से, डिप्टी कमिश्नर का काम, कमिश्नर का, मजिस्ट्रेट का काम है, करेक्ट, वेरी करेक्ट। फिर आपका जहां तक हमने अपनी तरफ से किया चीज में आपको पहले माइक्रो को बताता हूँ, आप मियां साहब इस बार आपका बिजली का रेट आपने बोला पीक रेट तो खत्म किए, लेकिन मियां साहब के कारखानों में 16 रुपए की बिजली को हमने 8 रुपए कर दिया आधा, अगर ये जो है ना, अगर ये एसएमई खुदा करे हो जाए सर, स्मॉल एंड मीडियम, नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं जो लोग सारे सरों को बताता हूँ, वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, आज मेरा सेक्रेटरी पावर एनर्जी है उनसे बात हुई, वो किया है नोटिफिकेशन किया है नेपरा, बहुत अच्छा कदम होगा नेपरा है मियां सिंह साहब, नेपरा जो एक हफ्ते में वो नोटिफिकेशन इश्यू जाएगा, अप्लाई होगा 1 नवंबर से, तो जितने कारखानेदार ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपको 1 नवंबर यानी आज से 10 दिन पहले से आपको कम रेट अप्लाई किया जाएगा उस बिजली को जो आपने पिछले कोविड से पहले यानी मार्च 2020 से पहला का साल जो है 2019 के फरवरी से लेकर मार्च 2020 के बीच में जितना आपने हर महीने कंज्यूम किया उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आधे रेट मिलेगा आपको, राइट, ये प्रोसीजर है इसका करने का जी। कैसा शेख साहब सर,
आपका व्यू अब इस पे आ जाए। अभी आपने नुमान साहब अभी बड़ी तफसील से बता रहे थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉब्लम है कि यहां इसकी वजह से ये जो कीमतें हैं ये काबू नहीं होके दे रही हैं, और मियां अतीक साहब भी खासे नाला नजर आए, जाहिर है महंगाई के हवाले से सबका कंसर्न है। लेकिन ये फरमाइएगा, एक तो ये ब्यूरोक्रेसी का जो एक प्रॉब्लम है क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं कि बात दुरुस्त है, और दूसरी बात ये कि ब्यूरोक्रेसी तो आपके टाइम पर भी थी, तो क्या वो उस वक्त इतनी नॉन कोऑपरेशन उनकी तरफ से नहीं मिलती थी आपकी हुकूमत को जितनी के पीटीआई गवर्नमेंट उसकी शिकायत करती है? मोना नुमान वजीद साहब बड़े अच्छे तरीके से मैकेनिज्म को और इकोनॉमी को समझते हैं, और इसी तरह सेनेटर साहब ने भी, देखो ना बातें मकसद ये नहीं है, पहले केक का साइज मैं आसान तरीके से बताऊं, केक का साइज जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 325 अरब डॉलर का था, अब वो चला गया अब जो साइज है उससे भी बड़ा जो लोग है, बड़े आदमी जो है, अमीर आदमी जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े चंद इंडस्ट्रियां जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, जैसे आप स्टील इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्रियों में तो बहुत मार्जिन है, टेक्सटाइल को बहुत मार्जिन है, बहुत एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन वो पहले तो साइज छोटा हो गया, उस छोटे साइज का भी ज्यादा हिस्सा बहुत चंद अमीर आदमी, चंद गिनती के अमीर आदमियों ने ले लिया, बाकी जो गरीब आदमी, दरमियाना आदमी, जो रोजगार करने वाला, जो दिहाड़ीदार, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। ये गलती इनकी अपनी है, सारी बात ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की, खुद नुमान नजीब साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूँ, जब डॉलर आप कर देंगे 105 से 168 कर दिया, अब हो गया आज 58.5 है, 158 अब हो गया आज 58.5 है, 158, तो इनकी ख्वाहिश ठीक है एक्सपोर्ट बढ़ेगी। मेरे साथ बैठते थे ये फाइनेंस कमेटी में असद उमर साहब और सारे इनके दोस्त, मैं अच्छा, वो इनका ख्याल था कि हमारी एक्सपोर्ट डेढ़ गुना हो जाएगी या दो गुना हो जाएगी, अब एक्सपोर्ट तो दो ढाई साल में 2% भी नहीं बढ़ी, इन चार महीनों में पिछले साल के चार महीनों से कम हो गई 0.1 का, यानी डॉलर को आपने महंगा तो कर दिया हर आम आदमी के लिए, नुकसान उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी, डॉलर बढ़ने की वजह, हाँ उसका मतलब रुपये के डिप्रिसिएशन की वजह से, यस जी, और उसके अलावा इनकी ये देखे ना रोज, क्योंकि पता नहीं है इनको, इनके जो बैठे हैं ना ऊपर फाइनेंस में ना, वो मार्केट मैकेनिज्म को तो जानते नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जखोर आमदौली नहीं करें, हम छापे मारेंगे, हम नहीं करने, जो जो जब जब ये कहते हैं महंगाई और हो जाती है, ये एक मैकेनिज्म है, जो लोग भी समझने वाले हैं उनको पता है डिमांड सप्लाई का मैटर है, ठीक है ना, कोविड की वजह से जो मामला, उससे पहले ये तो अब कोविड की वजह हो गई, इससे पहले भी डेढ़ साल जो गुजरा है इनकी, इन्होंने टोटल IMF पे भरोसा किया, इंटरेस्ट रेट सवा यानी मार्कअप रेट 12.5% कर दिया, अब वो ला के 7% ला रहे हैं, अब डॉलर भी कम करें, अच्छा कर रहे हैं, ये वक्त अभी जो ये महंगाई की कोशिश कर रहे हैं ये बेहतर तरीका है, सिर्फ आप छापे मारेंगे, ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार बनाएंगे कि वो काम नहीं करी, ऐसी बात नहीं है, ये खुद इनके लोग नायल हैं, इनके पास इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक एडवाइजर है, पाकिस्तान को समझने वाले उनमें से बहुत कम है, ये तो कारोबारी लोगों को जो वो तो सर पहले भी तमाम रह चुके हैं, तमाम लोगों को फाइनेंस, इवन वकार मसूद साहब वो आपके साथ भी थे, मुझे ये बताइए मौला, मुझे बताइए, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो भी ये बाहर से आते हैं इन्होंने किसी एक ने भी कभी पाकिस्तान में खुद कारोबार करके कामयाब किया है, मुझे उसका नाम बता दो, ये एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनके एक्सपर्ट हैं, ये वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट हैं, ये आगे मैं ये सिर्फ एक बात, यही तो अर्थ है कि आपके वक्तों में भी थे, आपकी गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो मैं फिर जी जी हाँ। जी तो हमने तो नहीं महंगा देखे ना हमारे वक्त आपके वक्त में महंगाई नहीं हुई, हाँ। आज अच्छा ये फूड इन्फ्लेशन एक वजह बताते हैं, ये फूड इन्फ्लेशन 20% हो गई, अच्छा एक बात इन्होंने रट्टा चढ़ाया हुआ है, ये जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ये पता नहीं वजीर आजम साहब को किसने समझा दिया, भाई करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक होता अगर एक्सपोर्ट बढ़ने से होता तो ठीक है, इम्पोर्ट खत्म हो गई, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, खाने पीने जो फूड थी वो नहीं आ रही, आपने इंडिया से चीजें बंद कर दी, अब आप बताइए महंगाई की ये वजूहत है, अद्वियात आती थी बहुत इंडिया से या रीजनल कंट्री से, वो 250% बढ़ गई, अब आप बताइए ये हो ही नहीं सकता, ये कहेंगे ठीक है अब डॉलर को नीचे ला रहे हैं, ये ठीक है 7% जो मार्कअप किया है उसको और कम होना चाहिए, 5% होना चाहिए, डॉलर 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का कहें कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर लेगी, ब्यूरोक्रेट तो वही लोग हैं
सारे लोग तो उन्होंने वही ले लिए जो हमारे लोग थे, हमारे वक्त जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे थे वही उनके, क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि ऊपर विजन नहीं है, ऊपर विजन नहीं है। उन्होंने जो जो समझा था कि अभी ये तो कहते थे कि जी हम 8,000 कर देंगे रेवेन्यू, अब रेवेन्यू जब ये सारे साफ सुथरे हैं, अब ये मामूली सा लॉजिक है ना, हमें सिर्फ रोज कह देना कि हम क्विक राउंड लगा लें सबके साथ सबके, क्योंकि व्यूज हैं। मुझे ये बता दीजिए और ये नेक लोगों से रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा, जब डॉलर भी इतना ज्यादा हो गया फिर भी रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा? अब ये आप अंदाजा कीजिए ना कुछ, जवाब क्लियर आ जाए। इसकी वजह से भाई अगर मोना 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 बस खत्म हो रही है मेरी बात, एक फिक्र ये जब हमारे वक्त में जो स्टेप हम ले रहे थे हर साल ग्रोथ बढ़ रही थी, क्योंकि अब ये कहते हैं कि आपकी वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ी, 2.5 साल बाद उसका असर आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो कोई लॉजिक नहीं है ना कोई। जी आपने आपने अभी जिक्र किया वकार मसूद साहब, नो डाउट बहुत काबिल आदमी है इस वक्त में, और भी पहली चीज तो ये है कि कितने लोगों को कितने थोड़े से टाइम में बदला गया, और दूसरी बात यह है मैं आज भी कहूंगा कि जो बाहर से पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको पाकिस्तान के अंदर की चीजों का नहीं पता। इसहाक डार साहब की हम बात करें, उन्हें पता था बिलालगंज वाले क्या करते हैं, वो मोनी रोड वाले क्या करते हैं, रावी रोड वाले क्या करते हैं, कहां से किस चीज को किस तरह से कंट्रोल करना है, यही वजह है। उन्होंने जब कहा कि डॉलर 108 का हो गया, डॉलर 100 रुपए से कम में आएगा, जिसने बेचना है बेच दो वरना नुकसान होगा, और लेकर आए, ठीक है। तो आज कौम कह रही है ना कि वही जिनके बच्चे को वापस लाओ जो उनके पास था, हम ये नहीं कहेंगे कि इसहाक डार को लाओ, लेकिन जो जिनका बच्चा इसहाक डार ने बंद किया हुआ था उसको पकड़ के लाओ ताकि वो आए। ये कौन सा जिन है सर? लास्ट कमेंट्स आपके आ जाएं फिर मैं वाइंड अप करूं। मेरा छोटा भाई है, बड़ा पसंद है मुझे, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है या मैं गलत हो जाता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको करूँ, पहले एक मैं बात क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी नॉन कॉपरेशन हमारे साथ है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एक्सपोजर टू इंटरनेशनल दिस थिंग वो नहीं है, वी हैव टू ट्रेन देम गिव देम मोर एक्सपोजर। मैं सिंपल आपको बात होता हूँ, उससे आप पूछे किसी ब्यूरोक्रेट से ग्रेड बी से किसे एक्सेल शीट को समझते हो क्या होता है, या तुम उसे स्क्वाडर लेवल 2 क्या होता है, या ईमेल में कॉरेस्पॉन्डेंस करो क्या होता है, वो कहते प्रिंट करके ईमेल भी प्रिंट करके मेरे पास लाओ, तो ब्यूरोक्रेसी की उनकी गलती भी है, उनको आपने ट्रेन उन पर खर्चा आपने नहीं किया ब्यूरोक्रेसी पर, कॉपरेशन वो करते हैं हमारे साथ भी करते हैं सबके साथ करते हैं, लेकिन वो ट्रेन नहीं। नंबर एक बात, नंबर दो बात, डीएमजी ऑफिसर, मैं आपको बता दूं डीएमजी ऑफिसर जो है ना वो हर चीज नहीं कर सकता, आपका मियां टीक का फैक्ट्री है, मेरी अदारा है, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है सीएफओ जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, आपका सर पाकिस्तान का सीएफओ कौन है? ही इज अ डीएमजी ऑफिसर हु इज नो एक्सपीरियंस, इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जिसको भी रखते हैं उसका प्रोफेशन होना चाहिए। वेदर डीएमजी राइट सर, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल, ये बड़ी आपने फैक्चुअली ऐसी बात कही है जो कि हमें जो करेक्ट करनी है हमें। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन नाजरीन, हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब, जनाब सेनेटर नौमान वजीर और जनाब सेनेटर मियां अतीक साहब यहां स्टूडियो से मेरे साथ तशरीफ फरमाते। दैट विल बी ऑल नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।